नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम आंखों से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस होता है। खास तौर से 6 से 16 साल की उम्र के बच्चे इससे बड़ी संख्या में पीड़ित हैं और ये आंकड़े जहाँ तक अगर हम बात करें विश्व की तो काफ़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया में चूंकि उतना कंसोलिडेटेड डाटा नहीं है लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्वेशंस देखे जा रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में इस समस्या से इंडिया के बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं। इस समस्या को हम मायोपिया के नाम से जानते हैं और अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो बच्चे को आँख से पास का तो ठीक तरह से दिखाई देता है लेकिन दूर से जो देखता है तो थोड़ी उसको समस्या आती है। तो ये समस्या एग्जैक्टली क्या है, ये समस्या क्यों होती है, इस समस्या के ट्रीटमेंट्स किस तरह के अवेलेबल हैं, क्या ये बड़ों में भी ये समस्या देखने में आती है और किस तरह के प्रिवेंशन के लिए हम इसके मेजर्स ले सकते हैं या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि ये समस्या ना हो, तो इसके लिए हम आज उपस्थित हुए हैं माताश्री नेत्रालय के वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर छावीर बिंद्रा के पास। डॉक्टर छावीर इस क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रखते हैं और पिछले 1 से 1.5 वर्ष से आपके यहाँ एक विशेष क्लिनिक भी चल रही है जिसमें कि मायोपिया से जुड़े हुए बच्चों का काफ़ी सारा डाटा एकत्रित किया जा रहा है, उनकी लगातार रिपोर्ट ली जा रही है और उस पर काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इत्तेफाक से आज का हमारा विषय भी वही है और सर से आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर मायोपिया के बारे में आज बताइएगा कि ये समस्या है क्या। जी, जब हम मायोपिया की बात करते हैं तो जैसा आपने बहुत बढ़िया कहा कि इससे जो हम सिंपल भाषा में समझें तो बच्चे जो हैं वो पास का तो अच्छे से देख लेते हैं बट दूर का देखने में इन्हें दिक्कत होती है, तो इसे नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। और मायोपिया में आमतौर पर क्या होता है, जो हमारी किरणें होती हैं वो हमारे पर्दे पर ना पड़ के पर्दे के आगे पड़ जाती है और जिसके कारण जो दूर की चीज़ें हम देखते हैं वो इतनी स्पष्ट नहीं हमें दिखती। जी, जैसे कि क्लासरूम का बोर्ड वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं अगर मैडम कुछ बोर्ड पे लिख रही हैं तो कभी कभी उन्हें दूर से वो नहीं दिखता। हम घर पे अगर बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं तो वो चीज़ हमें कभी साफ नहीं दिखती, तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। जी, तो सर ये जो समस्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये किस उम्र से शुरुआत इसकी हो जाती है और किस उम्र तक ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आईबॉल का साइज छोटा होता है और वो हाइपरोपिक होता है। जी, मतलब जो किरणें हैं वो पर्दों के पीछे पड़ रही होती है, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, बच्चों का विकास होता है, वैसे वैसे आँख का साइज भी बढ़ता है और जैसे जैसे आँख का साइज बढ़ता है हमारा मायोपिया बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब ये देखा जाता है कि 6 से 10 साल में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आँख का ग्रोथ तेज़ी से होने लगे और मायोपिया का प्रोग्रेशन, हम फास्ट प्रोग्रेशन देख सकते हैं। इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि 6 से 16 साल या 6 से 18 साल की उम्र होती है जब तक ग्रोथ हमारे शरीर की हो रही होती है और आँख का भी डेवलपमेंट तभी हो रहा होता है, तो मायोपिया बढ़ने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो 6 से 18 साल के बीच हम देखते हैं। 18 साल के बाद हालांकि बढ़ने को कभी कभी मायोपिया का प्रोग्रेशन देखा जा सकता है बट वो उतना कॉमन नहीं रहता। जी, तो सर अक्सर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स तब जाकर अलर्ट होते हैं जब उनका बच्चा काफ़ी नज़दीक से कोई चीज़ों को देखने लगता है या वो कुछ कंप्लेंट करता है कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तब तक वो आपके पास आ पाते हैं। तो ये क्या देर हो चुकी होती है या ठीक टाइम होता है दिखाने का? जी जी, जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स तब आते हैं या तो उन्हें स्कूल में क्लास टीचर बताती हैं कि बच्चा अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख पाता है, या वो लोग घर पे ये देखते हैं कि बच्चा जब भी टीवी देख रहा होता है तो बहुत पास जाके टीवी देख रहा होता है या जब पढ़ाई कर रहा है तो बहुत पास से अपनी किताब को पकड़ के पढ़ रहा है। तो ये सारे वो लक्षण होते हैं जिससे माता पिता को ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं उसे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, या कभी कभी माता पिता ये देखते हैं कि उनकी आंखों में तिरछापन, भेंगापन आने लगा है, वो भी कभी कभी एक कारण रहता है। एंड जब ये चीज़ों का इवैल्यूएशन होता है, जब हम आंखों की जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इसको मायोपिया है या हाइपरोपिया है, इस तरह की चीज़ें फिर सामने आती हैं। जी, तो सर जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो कौन सी ऐसी जाँचें आप करते हैं जिससे कि ये आप इंश्योर कर पाते हैं कि ये मायोपिया ही है या कुछ और समस्या है? सबसे पहले जब भी बच्चा हमारा पास आता है तो उसकी विजन लिया जाता है, एक स्नेलिन चार्ट होता है जिसमें बच्चे को पढ़ा के देखा जाता है कि वो कितना पढ़ पा रहा है। इसके अलावा डायलेटेड रेटिनोस्कोपी सारे बच्चों में ज़रूरी होता है कि पुतली फैला के हम एक रेटिनोस्कोपी करें और उससे उस नंबर का पुष्टिकरण करें कि इसे मायोपिया है या नहीं है। ये जाँचों के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को
चश्मे की आवश्यकता है, उसे मायोपिया डेवलप हुआ है। तो सर इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि इसके जो रीजंस हैं इस समस्या के होने के, इसमें कौन कौन से कारण आप पाते हैं कि ये मायोपिया बच्चों में हो जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि कुछ बच्चे तो फर्स्ट क्लास, एक ही परिवार में दो बच्चे ऐसे होते हैं कि एक को समस्या है एक को नहीं है, तो इसके कारण क्या पाते हैं आप? जो मायोपिया प्रोग्रेशन की हम जब भी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बच्चे बहुत पास से अपना काम करते हैं या जो बहुत देर तक पास का काम करते हैं, जो कम रोशनी में पढ़ते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज जिनकी कम है, उनमें मायोपिया का प्रोग्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उन बच्चों में भी हम मायोपिया प्रोग्रेशन ज़्यादा देखते हैं जिनकी डाइट अनहेल्दी है या जिनके माता या पिता को अगर मायोपिया है, तो उनमें मायोपिया डेवलप होने के 3 से 6% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आनुवंशिक रीज़न भी हो सकते हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी। तो सर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि समस्या अगर ये आ गई है बच्चे में तो इसके लिए किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं ताकि बच्चे का एक जो नॉर्मल विज़न है वो आ सके। जी, पहले क्या होता था कि जब भी बच्चे आते थे तब हमारे पास कोई और ट्रीटमेंट नहीं रहता था, सिर्फ चश्मे का नंबर दे दिया जाता था और बोला जाता था कि आप 6 महीने बाद फिर से जाँच करा दीजिए। फिर बच्चा 6 महीने बाद आता था जब उसका नंबर बढ़ चुका होता था, फिर बोलते थे उसे 6 महीने बाद या 1 साल बाद फिर जांच कराइए। बट आज हम ये चीज़ अच्छे से कह सकते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब हमारे पास ट्रीटमेंट, अगर हम बात करें तो इसका 4 लेवल पे ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो हम उन बच्चों को ट्रेन करते हैं कि बेटा बहुत पास से काम आपको नहीं करना है, बहुत देर तक पास का काम नहीं करना है, कम रोशनी में नहीं पढ़ना है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम 2 घंटा हम कोशिश करें कि हमारा बच्चा आउटडोर एक्टिविटी में रहे, जिससे डोपामीन के लेवल्स जब बढ़ते हैं तो वो हमारे मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोकता है। हम अपनी डाइट हेल्दी रखें, हरी सब्जियां, पीले फल अच्छे से लें ताकि ये मायोपिया का प्रोग्रेशन अच्छे से प्रोग्रेशन ना हो। इसके अलावा एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है कि अब हमारे पास ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे हम इस मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। एट्रोपीन आई ड्रॉप्स, अब ये 0.01%, 0.025%, 0.05%, अप टू 1% इसके कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल हैं जिससे मायोपिया को रोका जा सकता है। इसके अलावा स्पेशल मायोपिक ग्लासेस आने लगे हैं जो बहुत सारी कंपनीज जैसे डिम्स हो गए, जाइस के मायोकेयर लेंसेज आते हैं, हेल्ट लेंसेज आते हैं, ये सारे लेंसेज जो होते हैं ये भी मायोपिया के प्रोग्रेशन को कम करने में सहायक होते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसे मल्टीफोकल स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज, ऑर्थो के लेंसेज भी उपलब्ध हैं जिससे 80 से 100% बच्चों का मायोपिया प्रोग्रेशन रोका जा सकता है। जी, तो सर ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इस बीच में काफ़ी सारे, मतलब आपने बताया कि डेवलपमेंट्स हो गए हैं और नई नई चीज़ें आ गई हैं, मतलब आप जो 4 स्टेप आपने बताए उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे स्टेप लगा जिसमें कि आपने अवेलेबल ट्रीटमेंट्स की बात की। यूजुअली आपने जैसा बताया कि पहले लोग आते थे उनको चश्मा दे दिया जाता था, फिर बोला जाता था कि भाई इस समय के बाद आइए, अगर नंबर बढ़ गया तो या घट गया जो भी होता था वो आप उसको आगे ट्रीटमेंट बता देते थे या उसके ग्लासेस के नंबर्स बढ़ते रहते थे। लेकिन अब आपने जैसा बताया कि इसको आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, तो इसमें अब बात आती है सर कि क्या ये समस्या बड़े लोगों में भी संभव है? जी बिल्कुल संभव है। हालांकि हम देखते हैं कि 18 साल से पहले मायोपिया का प्रोग्रेशन काफ़ी प्रतिशत बच्चों में देखा जाता है और 18 साल के बाद ये जो प्रोग्रेशन होता है ये बहुत कम प्रतिशत लोगों में देखा जाता है। अगर उनमें भी ऐसा होता है तो हमारे पास ये जो मैंने आई ड्रॉप्स की बात करी, एट्रोपीन आई ड्रॉप्स, ये हम उनमें भी दे सकते हैं ताकि मायोपिया का प्रोग्रेशन ना। जी, तो सर ये इतनी सारी चीज़ें, नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो इसको कितना ज़्यादा आपके जो पेशेंट्स आते हैं या आम लोग जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, अवेयरनेस लेवल कहाँ देखते हैं आप? नहीं बिल्कुल, पहले ये चीज़ हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता था और जब अभी बीच में कोविड एरा आया था, कोविड टाइम्स आए थे, तब बहुत सारे बच्चों में एकदम से चश्मे का नंबर बढ़ने लगा था क्योंकि घर पे रहते थे, सारा दिन मोबाइल देखते थे। तो ये देखा जाता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पास का काम करते हैं या बहुत देर तक पास का काम करते हैं उनमें ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता था। अब हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो इसको प्रूव करती हैं कि नियर वर्क एंड कंटिन्यूस नियर वर्क इज़ अ बिग रिस्क फॉर मायोपिया प्रोग्रेशन। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इसका अवेयरनेस वाइड लेवल पे हो, क्योंकि आज इंडिया में हम देख रहे हैं कि मायोपिया का एक एपिडेमिक आ रहा है। बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक अपन कह सकते हैं 30% से 40% बच्चे हम देखते हैं कभी कभी मायोपिया से पीड़ित रहते हैं और उन्हें चश्मे की आवश्यकता रहती है। 30 से 40% का फिगर है काफ़ी बच्चों में हम आजकल देख रहे हैं।
ये तो काफ़ी अलार्मिंग फिगर है कि अगर इस रेट से ये बढ़ रहा है तो आने वाले समय में तो और समस्या, मतलब जो आप एपिडेमिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एपिडेमिक तो ये बन ही रहा है। अब सर कुछ और कहना चाह रहे हैं? एक चीज़ और ये कहना चाह रहा था कि जब भी हम मायोपिया की बात करते हैं तो एक प्रश्न हमेशा आता है, या माता पिता ये कहते हैं कि सर अगर हम चश्मा नहीं देंगे तो क्या होगा, या मैं चश्मा नहीं पहनना चाहता है। तो उसमें हमें एक चीज़ समझनी है कि चश्मा देना या मायोपिया का ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है, अगर हम आज बच्चे को चश्मे का नंबर नहीं देंगे तो बच्चा अच्छे से दूर का देख नहीं पाएगा, अगर वो दूर का नहीं देख पाएगा तो उसकी पूरे एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा। जैसे आज वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, टीचर अगर कुछ बोर्ड पे लिख रही है तो पहले वो वेट करेगा कि उसका फ्रेंड एक बार कॉपी कर ले या उसका सहपाठी पहले लिख ले, फिर वो उससे देख के लिखेगा, या जब वो अगर कोई खेल भी रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है या कुछ और गेम खेल रहा है, तो उसे दूर की चीज़ें उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि बच्चों को प्रॉपर चश्मे का नंबर देना, प्रॉपर मायोपिया का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर ये मायोपिया प्रोग्रेस होती है तो ये हमारे पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है, काजबिंद के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनमें मोतियाबिंद के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे की नज़र लंबे समय तक अच्छी रहे, तो इस मायोपिया को जितना अपन प्रोग्रेशन को हम रोक लेंगे उतना जी, बेहतर। साथ में मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। वो किसी वजह से ठीक से नहीं देख पा रहा है तो उसको क्लास या अपनी पढ़ाई के दौरान भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सहपाठी मान लीजिए उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उसको और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और घर में भी स्कोल्डिंग की जाती है कि तुम इतने पास से क्यों देख करके कर रहे हो। और दूसरा ये रहता है कि बच्चों में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है जब वो चीज़ें सब साफ देख सकते हैं। जब उसे उसकी नज़र साफ नहीं होगी तो हर चीज़ में वो डरा सहमा सा रहेगा, उसकी जो दुनिया रहती है एक पास की दुनिया बन जाती है। और हम एक और चीज़ समझते हैं कि एक बार 18 साल 20 साल के हो जाएंगे तो ये चश्मे का नंबर तो हम लेज़र प्रोसीजर, लेसिक के माध्यम से, रिफ्रैक्टिव आयल के माध्यम से, फेकिक आयल के माध्यम से तो हटा ही सकते हैं। बट हमारे लिए आवश्यक है कि ये नंबर 18 साल तक हम इसको बढ़ने से रोकें, जितना हम इसको पहले ही कंट्रोल कर लेंगे उतना अपने लिए बेहतर रहेगा। जी 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 मैं बस जी एक चीज़ और कहना चाह रहा था हाँ। कि हम लोग हॉस्पिटल में एक मायोपिया क्लिनिक हमारे पास रन करती है, जिसमें हम सब बच्चों को ये कार्ड होता है, जो हम बच्चों को ये कार्ड देते हैं ताकि हर 3 महीने में 6 महीने में बच्चे की नज़र हम इस पर डॉक्यूमेंट कर सकें, ये देख सकें कि उनका मायोपिया का प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है और उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम ये मायोपिया क्लिनिक में बच्चे फॉलो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पहले प्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता था हर साल, अब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से एकदम हम इसे रोक पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर इसके अतिरिक्त अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नहीं, मेरा बस यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो छोटे बच्चे हैं वो आने वाले अपने देश का भविष्य है, और इनकी नज़र जितनी अच्छी हम रखेंगे उतना बेहतर है। जी, तो सर आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे पुनः वही निवेदन है कि अगर आपके आँखों की समस्या से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। जब हम डॉक्टर साहब से अगली बार मुलाकात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर उनसे ले सकें। आज के एपिसोड में हम बस इसको यहीं समाप्त करना चाहेंगे और जल्दी मिलते हैं आपसे एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।